Good afternoon, student. Today we will learn about the peripheral nervous system. And earlier I have taught you about the parts of the peripheral nervous system, that is spinal nerves, cranial nerves and autonomic nervous system. So today we will learn about the spinal nerves. So start from the introduction. The nerves connected to the spinal cord are the spinal nerves. Aise nerves jo spinal cord se connected hote hain, they are called spinal nerve. Next, it generally refers to a mixed spinal nerve that carry motor, sensory and autonomic signals between the spinal cord and the body. Spinal nerves generally mixed hote hain, like spinal nerves carry motor, sensory and autonomic signals. Motor signals bhi carry karte hain, सेंसरी सिग्नल्स भी कैरी करते हैं, ऑटोनॉमिक सिग्नल्स भी कैरी करते हैं. ये तीनों टाइप्स के सिग्नल्स स्पाइनल नर्व्स कैरी करते हैं बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी. ह्यूमन हैव 31 लेफ्ट राइट पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स में होते हैं, बोथ लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में. ईच रफली कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, 8 सर्वाइकल एंड 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉकिक्सियल पेयर. सो देयर आर टोटल 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. ईच स्पाइनल नर्व्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स फ्रॉम द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. द डॉर्सल रूट, डॉर्सल, हियर द वर्ड डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर और बैक, and the ventral that means anterior or front side. Dorsal का मतलब back side है and ventral का मतलब है front side. So the dorsal root carry the afferent sensory axons while the ventral root carry the afferent motor axons. तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं afferent और efferent neurons है. तो afferent neurons सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मतलब जो एफरेंट न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसेप्टर से कहाँ लेके जाते हैं, बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में लेके जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, दे कंडक्ट द सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल एंड ग्लैंड. जो इफरेंट जो न्यूरॉन्स है वो ब्रेन से बॉडी को सिग्नल देते हैं, मीन्स मसल और ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं, एंड एफरेंट बॉडी से ब्रेन को सिग्नल देते हैं. नेक्स्ट, द नर्व्स आर नंबर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू इन्फीरियर पोजिशन. नर्व्स जो हैं उनको किस बेस पे नंबर दिया गया है, सुपीरियर टू इन्फीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनको हमने नंबर दिया है, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. एंड ईच इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द इंटर वर्टिब्रल फोरामेन एट दिस लेवल. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन? द नर्व्स आर नंबर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर पोजीशन एंड ईच इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. एंड द फोरामिना इट इज़ ए ओपनिंग बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वर्टिब्रा हैं और उनके बीच में एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है. सो दिस इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. तो दो यहाँ पे जो वर्टिब्रा है, जो दो वर्टिब्रा है पेयर्स जो हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. फोरामेन इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा. नेक्स्ट वन इज नर्व प्लेक्सिस. नर्व प्लेक्सिस, द नर्व प्लेक्सिस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स. मल्टीपल नर्व प्लेक्सिस एग्जिस्ट इन बॉडी एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स दैट अराइजेस फ्रॉम मर्जिंग ऑफ द एंटीरियर रैमी ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड ब्लड वेसल. सो सबसे पहले नर्व प्लेक्सिस को समझने से सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है, व्हाट इज रैमी एंड व्हाट इज रैमस. तो सबसे फर्स्ट है रैमी, RAMI, रैमी. व्हाट इज रैमी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्व्स. जो रैमी होते हैं, रैमी क्या है, नर्व्स के ब्रांचेस होते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज रैमस. रैमस, व्हाट इज रैमस? रैमस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व्स दैट फॉर्म द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. रैमस, रैमस क्या होता है? रैमस भी सेम थिंग है, इट इज़ ए ब्रांच और ग्रुप ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. एंड नेक्स्ट वी विल
learn about the nerve plexus. It is a network of the nerves which is composed of afferent and efferent nerves. अभी मैंने बताया कि afferent nerves होते हैं और efferent nerves होते हैं. Afferent nerves क्या करते हैं? Body से signals किसको देते हैं? Brain को. और जो efferent होते हैं, efferent nerves होते हैं, वो brain से muscle और gland को क्या करते हैं? Signals देते हैं, orders देते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्व इम्पल्सिस का क्या फंक्शन है, नर्व इम्पल्सिस क्या रोल प्ले करते हैं. देयर आर फाइव स्पाइनल नर्व प्लेक्सेस एक्सेप्ट इन द थोरेसिक रीजन. तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि ये स्पाइनल नर्व्स है, ये बीच वाला जो पोर्शन दैट इज ग्रे मैटर एंड दिस इज द वाइट मैटर. स्पाइनल नर्व्स जो ये वर्ड जो आप देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड का ये एक सेक्शन है. अगर हम किसी भी एक वर्टिब्रा को अगर हम अलग निकाल के सेक्शन करके देखते हैं तो उसका जो मिडिल पोर्शन है उसमें हमको ये ग्रे मैटर मिलेगा और ये साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज वाइट मैटर. ईच वर्टिब्रा से क्या जुड़ी हुई होती है? स्पाइनल नर्व्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये स्पाइनल नर्व्स जुड़ी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ ए डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड दिस इज़ वेंट्रल रूट गैंग्लिया. डॉर्सल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पीछे का रूट है, स्पाइनल नर्व्स की रूट है. एंड वेंट्रल रूट का मतलब होता है स्पाइनल नर्व्स की सामने की रूट जो कि स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डॉर्सल है और वेंट्रल है. नेक्स्ट आगे ये डिवाइड हो जाता है डॉर्सल रैमस एंड वेंट्रल रैमस. जो स्पाइनल नर्व से वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू और रेड कलर के ब्रांचेस दिख रहे हैं. दे आर इफरेंट एंड एफरेंट नर्व्स. तो यहाँ पे जो है स्पाइनल नर्व्स अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है एंड द ब्रांचेस आर कॉल्ड रैमी एंड द ग्रुप ऑफ रैमी इज कॉल्ड रैमस. यानी कि क्या है, स्पाइनल नर्व्स है अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं. उन नर्व्स के ब्रांचेस को हम जो ब्रांचेस हैं उनको हम कहते हैं रैमी एंड उन ब्रांचेस के ग्रुप को कहते हैं हम रैमस. सो हियर द वर्ड डॉर्सल रैमस मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में जो पीछे की तरफ स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस है दे आर कॉल्ड डॉर्सल रैमस. एंड स्पाइनल नर्व्स की जो सामने की ब्रांचेस है, स्पाइनल कॉर्ड से सामने की तरफ जो निकली हुई है जो ब्रांचेस स्पाइनल नर्व्स की दे आर कॉल्ड वेंट्रल रैमस. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये सपोज़ एक वर्टिब्रा का मैंने अगर सेक्शन निकाला है, दिस इज़ द ग्रे मैटर एंड दिस इज़ द वाइट मैटर. यहाँ से ये स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस निकली हुई है पीछे से भी और सामने से भी. तो ये जो पीछे वाला जो स्पाइनल नर्व्स है जो अलग अलग ब्रांचेस निकली है दिस इज़ द डॉर्सल एंड दिस इज़ द डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल. यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स हैं वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. एक ब्रांचेस है ये वाला दैट इज डॉर्सल रैमस विच सप्लाई द स्किन एंड नेक्स्ट यहाँ पे है वेंट्रल रैमस. वेंट्रल रैमस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इसको हम लोग और आगे देखते हैं. सपोज जैसे कि मैंने ये बताया दिस इज ए स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अगर एक सिंगल स्पाइनल कॉर्ड का हम सेक्शन लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज़ ग्रे मैटर और ये जो पार्ट है ये क्या है इसका वाइट मैटर. अब यहाँ से दो ब्रांचेस निकल रही है सामने की तरफ से, इधर से सेंसरी फाइबर निकल रही है और इधर से भी फाइबर्स निकल रही है नर्व्स की जो फाइबर है. तो दिस इज़ अ डॉर्सल रूट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पीछे का तरफ है. नेक्स्ट है दिस इज़ द वेंट्रल रूट. यहाँ पे दो नर्व्स हैं जो अलग अलग पोर्शन में है, सामने की तरफ भी है और पीछे की तरफ है. पीछे की तरफ जो नर्व फाइबर्स हैं उनको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट और सामने की तरफ जो नर्व फाइबर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट. ये दोनों रूट्स मिलके बनाती हैं स्पाइनल नर्व. अब यहाँ पे जो डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट क्या है? डॉर्सल रूट इट कंटेन्स ऑफ सेंसरी फाइबर. जो डॉर्सल रूट होते हैं वो सेंसरी फाइबर से, इसमें सेंसरी फाइबर्स होंगे एंड वेंट्रल रूट इसमें मोटर फाइबर्स होते हैं. तो डॉर्सल रूट में सेंसरी फाइबर्स आपको मिलेंगे और वेंट्रल रूट में आपको मिलेगा मोटर फाइबर. नेक्स्ट आगे जो ये स्पाइनल नर्व्स है ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. तो ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? रैमी. और ब्रांचेस के ग्रुप को बोलते हैं रैमस. तो यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो ब्रांचेस जो पीछे की तरफ चली जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल रैमस और सामने की तरफ जो ब्रांचेस डिवाइड होके आती है दैट इज़
वेंट्रल रैमस। अब नेक्स्ट है डॉर्सल रैमस। डॉर्सल रैमस क्या करता है? डॉर्सल रैमस जो है स्किन एंड मसल को सप्लाई करता है एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हेड एंड नेक। तो ओवरऑल डॉर्सल रैमस से क्या क्या सप्लाई करता है? किसको? स्किन को सप्लाई करता है, मसल्स को सप्लाई करता है एंड बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये डॉर्सल रैमस है, यानी कि बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की जो स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस हैं वो हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंट्रल रैमस। वेंट्रल रैमस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की वो सारी ब्रांचेस जो सामने की तरफ हैं, वो उसमें दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, सेंसरी प्लस मोटर दोनों होती है। वेंट्रल रैमस आगे चल के फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट हम जो देखते हैं ये है आपका स्पाइनल नर्व्स में T1 से T12 यानी कि थोरेसिक नर्व। जो थोरेसिक नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? इंटरकॉस्टल नर्व बनाती है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस कब बनते हैं? जब बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स आपस में कंबाइन होके एक बंच बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नर्व प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स का ब्रांचेस का ग्रुप। तो यहाँ पे एक ऐसा सिंगल थोरेसिक नर्व है जो नर्व प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे। जो T1 से T12 है वो क्या करता है? नर्व प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करता है। ये क्या बनाता है? इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाता है। इंटरकॉस्टल नर्व्स किसको सप्लाई करते हैं? मसल बिटवीन द रिब्स। रिब्स के जो मसल्स हैं उनको ये जो थोरेसिक नर्व्स हैं वो सप्लाई करते हैं और स्किन एंड मसल ऑफ द एंटीरियर एंड लैटरल वॉल ऑफ द चेस्ट। तो ओवरऑल अगर हम सबसे पहले वेंट्रल रैमस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो थोरेसिक नर्व्स हैं T1 to T12 वो नर्व प्लेक्सिस नहीं बनाते हैं। दूसरी चीज़, ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द इंटरकॉस्टल नर्व्स, दे सप्लाई द मसल बिटवीन द रिब्स एंड ऑल्सो सप्लाई द स्किन एंड मसल ऑफ एंटीरियर एंड लैटरल वॉल ऑफ द चेस्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेंट्रल रैमी के सेकंड पार्ट पे। वेंट्रल रैमी के सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स हैं, लाइक सर्वाइकल, नेक्स्ट वन इज लंबर, नेक्स्ट इज सैक्रल एंड कॉकिक्सियल। तो जो चार एक्स्ट्रा नर्व्स हैं जो थोरेसिक के अलावा, वो सभी क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड फॉर्म द प्लेक्सिस। और क्या बनाते हैं? प्लेक्सिस बनाते हैं। प्लेक्सिस मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम ग्रे मैटर का एक मास होता है। अब हम सिंगल सिंगल देखेंगे कि कौन कौन से स्पाइनल नर्व्स कौन सा नर्व प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस में आप देखेंगे C1, C2, C3 एंड C4, ये चारों मिलके बनाते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। नेक्स्ट है ब्रेकियल प्लेक्सिस, C5, C6, C7 और C8 एंड T1, ये पांच मिलके बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे देखा है T1 से T12, ये किसी भी तरह का नर्व प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि ये इंटरकॉस्टल मसल को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज L1, L2, L3, L4, ये चारों मिलके बनाते हैं लंबर प्लेक्सिस। नेक्स्ट है L4, L5, S1, S2, S3, S4, ये मिलके फॉर्म करते हैं सैक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट है S4, S5 एंड C0, दैट इज कॉकिक्सियल प्लेक्सिस। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल हमारी बॉडी में कितने प्लेक्सिस होते हैं? 5 प्लेक्सिस होते हैं। थोरेसिक जो नर्व्स होते हैं वो प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं? दे फॉर्म द इंटरकॉस्टल नर्व्स, वो इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाते हैं जो कि मसल्स बिटवीन द रिब्स, यानी कि जो चेस्ट के जो मसल है इंटरकॉस्टल मसल है उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं C1 to C4 सर्वाइकल प्लेक्सिस, C5 to T1 ब्रैकियल प्लेक्सिस एंड थोरेसिक नर्व्स दैट इज T2 to T12 विच डू नॉट फॉर्म द प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस L1 to L4, सैक्रल इज L4 to S4 एंड कॉकिक्सियल दैट इज S4 to C0। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट है इसमें सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या है? C1 to C5, दैट इज इसमें बहुत सारे नर्व्स हैं जो कि अलग अलग बॉडी के पार्ट को सप्लाई करते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस में हम देखेंगे, द सर्वाइकल प्लेक्सस दैट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूशन ऑफ द अपर सर्वाइकल स्पाइन एंड इट सप्लाई द नेक एंड द शोल्डर। ये किसको सप्लाई करते हैं? नेक एंड शोल्डर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस हैं C1, C2, C3 एंड C4। तो जो C1, C2, C3 ये जो चार हैं और C4, ये सभी क्या करते हैं? दे आर ग्रेट ऑरिकुलर। ऑरिकुलर का मतलब यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं एंड दे सर टू द साइड ऑफ द हेड। नेक्स्ट आप देखेंगे C3 एंड C4। C3 भी यहाँ पे कंबाइन है, C3 कंबाइन है यहाँ पे, और C4 भी इनडायरेक्टली C4 से कंबाइन है एंड दे सप्लाई द नेक, ये नेक को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे C4 और C3 ये दोनों क्या करते हैं? ट्रेपीजियस मसल को भी सप्लाई करते हैं एंड ऑल्सो देयर इज अ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स जो कि क्लेविकल को सप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल हेड एंड नेक को सप्लाई करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या है? दे सप्लाई द अपर बैक, शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड। इसमें आपको टोटल 6 मिलेंगे। फर्स्ट है एक्सिलरी नर्व्स, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व्स, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन क्यूटेनियस नर्व्स। ये अलग अलग जो जैसे आप फर्स्ट वाला लिखा हुआ एक्सिलरी नर्व्स, तो इसमें C5 और C6 आपस में जुड़े हुए होंगे। मस्कुलो क्यूटेनियस, इसमें C5, C6 और C7 कंबाइन होंगे। अल्नर के लिए C7, C8 एंड थोरेसिक 1। रेडियल के लिए C5, C6, C7, C8 एंड थोरेसिक 1। मीडियन नर्व के लिए C5, C6, C7, C8 एंड थोरेसिक 1। नेक्स्ट वन इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स, दैट इज C8 एंड T1। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले हम देखेंगे C4 और C5। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, C5 और C6 एक्सिलरी के लिए। तो C5 और C6 हम सबसे पहले देखेंगे, ये है आपका C5 एंड ये है C6। ये कौन सा जो प्लेक्सिस है कौन सा फॉर्म करते हैं? थ्रू द एक्सिलरी नर्व्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलो क्यूटेनियस C5, C6 एंड C7। तो सबसे पहले दिस इज द C5, C6 एंड C7, तीनों क्या मिलके फॉर्म करते हैं? मस्कुलो क्यूटेनियस। नेक्स्ट है अल्नर, C7, C8 एंड T1 यानी कि थोरेसिक नर्व। तो यहाँ पे C7, C8 एंड T1 तो ये सभी मिलके क्या फॉर्म करते हैं? दैट इज अल्नर। नेक्स्ट है रेडियल, C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो रेडियल नर्व्स हम देखते हैं यहाँ पे आपका C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये सभी कंबाइन क्या फॉर्म करते हैं? रेडियल नर्व्स। ये रेडियल नर्व्स को अगर आप देखेंगे तो ये सभी से किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कंबाइन है। देखो देखिए जैसे कि T1 से कंबाइन है, ये C7 से कंबाइन है, फिर यहाँ पे C7, C8 से कंबाइन है, उसके बाद यहाँ पे C6 से भी ये कंबाइन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ओवरऑल C5 से लेके पूरे T1 तक कंबाइन होके रेडियल नर्व्स को ये क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन नर्व, C5 से लेके C8 एंड T1। सेम यहाँ पे जैसे C5 से लेके T1 तक है, मीडियन नर्व को सप्लाई करते हैं, दैट इज मीडियन नर्व। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये C5 से भी कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे इनडायरेक्टली C7 से और इसी के थ्रू C6 से कनेक्टेड, ऐसे करके ये पूरा T1 तक कनेक्टेड है। नेक्स्ट लास्ट है मीडियल क्यूटेनियस, दैट इज C8 टू T1। तो यहाँ पे C8 टू T1 आप देख सकते हैं, दैट इज C8 एंड T1, दैट इज मस्कुलो मीडियल कॉर्ट, यानी कि यहाँ पे जो आपने लास्ट वाला देखा मीडियल क्यूटेनियस नर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये अलग अलग डिवीज़न है कि कौन से नर्व हैं बॉडी के किस पार्ट को सप्लाई करते हैं, जैसे कि C3, C4 दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, एक्सिलरी C5, C6, रेडियल C5, C6, मस्कुलो क्यूटेनियस C5, C6, रेडियल C7, C8, मीडियन नर्व C6, C7 एंड C8।
ये आपका एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर से भी देखेंगे तो सेम है। तो ये जो पार्ट्स हैं कि कौन से नर्व्स बॉडी के किस पार्ट को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व्स के बारे में मैंने बताया, दे डू नॉट फॉर्म द प्लेक्सिस बिकॉज दे फॉर्म द इंटरकॉस्टल नर्व विच सप्लाई द इंटरकॉस्टल मसल। नेक्स्ट है लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस के बारे में हम देखते हैं, द लंबर प्लेक्सिस रिप्रेजेंट द कंटिन्यूशन ऑफ द लंबर स्पाइन एंड गिव द इनर्वेशन टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी लाइक लोअर लिम्स हैं, उनको सप्लाई कौन करता है? लंबर प्लेक्सिस। इसमें आप देखेंगे टोटल 8 नर्व्स हैं। फर्स्ट इज इलियो हाइपो गैस्ट्रिक नर्व, दैट इज L1। नेक्स्ट वन इज इलियो इंग्वाइनल नर्व, दैट इज L1। जेनाइटोफीमोरल L1, L2। लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ थाई L2, L3। फीमोरल नर्व्स L2, L3, L4। ऑब्टुरेटर नर्व L2, L3, L4। लंबोसैक्रल ट्रंक L4 एंड L5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट जो है सब कॉस्टल नर्व्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सारी चीज़ें बनी हुई है। तो सबसे फर्स्ट है सब कॉस्टल, इसमें आप देख सकते हैं T12 एंड L1 इन्वॉल्व है। सेकेंड है L1, L1 से दो है यहाँ पे, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। एंड साथ ही साथ इससे एक चीज यहाँ पे और देख सकते हैं आप, जेनाइटो फीमोरल। नेक्स्ट जो L2 है, L2 से कनेक्टेड है आपका लैटरल क्यूटेनियस ऑफ थाई एंड इसके अदर ब्रांचेस आए हैं, दैट इज फीमोरल नर्व। नेक्स्ट अगर हम L4 देखते हैं, L4 एंड L3 कंबाइनली सप्लाई द फीमोरल पार्ट। नेक्स्ट वन इज L5 फॉर द लंबोसैक्रल ट्रंक। तो ये अलग अलग जो नर्व्स हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट को सप्लाई करने के लिए अलग अलग लंबर के पार्ट है उनसे कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म द नर्व प्लेक्सेस एंड बाय द हेल्प ऑफ नर्व प्लेक्सेस दे सप्लाई द लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन इज सैक्रल प्लेक्सिस। द सैक्रलर सैक्रल प्लेक्सिस प्लेक्सिस गिव द इनर्वेशन टू द बैक ऑफ द थाई। थाई के जो बैक साइड का जो पोर्शन है पोस्टीरियर पार्ट को एंड बॉटम ऑफ द फुट एंड फुट के जो सोल्स है नीचे का जो पार्ट है एंड एज वेल एज पेल्विस ऑल्सो। पेल्विस, बैक ऑफ द थाई एंड बॉटम ऑफ द फुट, ये तीनों पार्ट को सैक्रल प्लेक्सिस क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका सियाटिक नर्व, नेक्स्ट वन इज टीबियल नर्व, थर्ड वन इज कॉमन पेरोनियल नर्व्स एंड फोर्थ वन इज प्यूडेंडल नर्व, दैट इज फॉर्म्ड बाय द S3, S2 एंड S4। तो हम देखेंगे यहाँ पे सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ से होता है? L4 से S4 तक होता है। इसमें आप देख सकते हैं दैट इज सियाटिक नर्व्स। सियाटिक नर्व्स यहाँ पे बना हुआ है, S1, S2, S3 भी उसमें कंबाइन है। नेक्स्ट इज दैट इज प्यूडेंडल नर्व्स, दैट इज कंबाइंड S2, S1 एंड दैट इज टीबियल नर्व। टीबियल नर्व किससे कंबाइन है? S1, S2 भी कंबाइन है और इसमें साथ ही साथ S3 भी कंबाइन है। एंड दिस इज द टोटल सैक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉकिक्सियल प्लेक्सिस। इट सर्व्स अ स्मॉल रीजन ओवर द कॉकिक्स एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द S4, S5 एंड C0 स्पाइनल नर्व्स। इट इज इंटरकनेक्टेड विद द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस। जो कॉकिक्सियल प्लेक्स होता है वो क्या है? सैक्रल प्लेक्सिस के नीचे लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है और ये भी बॉडी के लोअर पार्ट को क्या करता है? सप्लाई करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉकिक्सियल प्लेक्सिस। कॉकिक्सियल प्लेक्सिस में आप देख सकते हैं S4 है, S5 एंड C0। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं कॉकिक्सियल प्लेक्सिस। ये एंटीरियर व्यू है। जितने भी हमें अभी हमने नर्व्स देखा सैक्रल एंड कॉकिक्सियल में, अलग अलग पार्ट को ये सप्लाई करते हैं, दैट इज फीमोरल नर्व, दैट इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दैट इज ऑब्टुरेटर नर्व, सेफनियस नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व्स, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व्स, डीप पेरोनियल नर्व्स, श्योरल नर्व्स, दैट इज एंटीरियर व्यू एंड दैट इज द पोस्टीरियर व्यू। सेम यहाँ पे भी वही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू है कि कौन से नर्व्स बॉडी के किस पार्ट को सप्लाई करते हैं। सब कॉस्टल नर्व, दैट इज सप्लाइड बाई द T12। गैस्ट्रो फीमोरल नर्व, दैट इज सप्लाइड बाई द L1, L2। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दैट इज सप्लाइड बाई द L2, L3। ऑब्टुरेटर विच इज सप्लाइड बाई द L2, L3, L4। मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व, दैट इज L2, L3।
लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ मसल्स ऑफ द लेग दैट इज सप्लाइड बाई L5, S1 एंड S2, सुपर